गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को पौष्टिक आहार क्यों लेना चाहिए इस बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 9 माह लंबी वह अवस्था जब स्त्री के गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा होता है गर्भावस्था कहलाती है। प्रत्येक स्त्री की यह कामना होती है कि वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके तथा उसका अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान तो वह उचित पोषण प्राप्त करे ही, लेकिन गर्भधारण करने से पहले भी उसका पोषण का स्तर अच्छा रहा हो। ऐसी स्त्री अपनी गर्भावस्था बहुत से संचित पौष्टिक तत्वों के साथ शुरू करती है, जिनमें विकसित हो रहे भ्रूण की बहुत सी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं तथा उसके अपने स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भावस्था के दौरान आहार द्वारा माँ को इतने पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए कि बच्चे को वृद्धि व विकास के लिए उचित पोषण मिलता रहे, माँ के संचय कोष परिपूर्ण रहे तथा माँ बच्चे को जन्म के पश्चात उचित मात्रा में तथा पर्याप्त समय तक दूध पिला सके। उचित भोजन लेने से प्रसव आसान रहता है, बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है तथा गर्भावस्था की पूर्ण अवधि सकुशल प्राप्त कर पाता है। लेकिन यदि आहार अनुचित हो तो बच्चे की शारीरिक व मानसिक वृद्धि ठीक नहीं हो पाती तथा बहुत बार तो उसका जन्म से पहले बच्चा रोगग्रस्त भी हो सकता है, जिस अवस्था में वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर गर्भवती स्त्री के लिए जो तालिका दी गई है उसे किस प्रकार के पोषक तत्व दैनिक मात्रा के हिसाब से देने चाहिए, यहाँ पर एक तालिका दी गई है, पेज नंबर 86। आप इस तालिका को अच्छी तरह से देख सकते हैं और यहाँ से एक गर्भवती स्त्री को जो भोजन दिया जाता है उसके बारे में जान सकते हैं। एक गर्भवती स्त्री की पौष्टिक आवश्यकताएं साधारण स्त्री की अपेक्षा अधिक होती हैं, जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। नंबर एक, स्त्री की सामान्य आवश्यकताएं। गर्भवती महिला की जो गर्भ धारण करने से पहले की सामान्य पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं वो तो बराबर बनी रहती हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए उचित भोजन ग्रहण करते रहना चाहिए। यहाँ पर दो पिक्चर दी गई हैं। अब पहली पिक्चर में जो माता है और उसका बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, दूसरी पिक्चर में जो यहाँ पर स्त्री है उसका बच्चा और वह स्वयं दोनों कमज़ोर है। यहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में मिला है और यहाँ भोजन को अनुचित रूप से प्रयोग किया गया है। नंबर दो, गर्भ में भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के लिए। यहाँ गर्भावस्था में भ्रूण बहुत तीव्रता से वृद्धि करता है, उसे इस वृद्धि के लिए सभी तत्व माँ के रक्त से ही प्राप्त होते हैं। माँ जो भी भोजन जो आहार ग्रहण करती है उसे उसी से बच्चे को भोजन के रूप में अंश प्राप्त होते हैं। माँ की आहारिक आवश्यकताओं को गर्भस्थ शिशु की पौष्टिक आवश्यकताएं भी शामिल हो जाती हैं। नंबर तीन, माँ के शरीर में विभिन्न प्रकार के नए ऊतकों के निर्माण के लिए। गर्भावस्था में बहुत ऐसे ऊतक होते हैं जो माँ के खाए हुए भोजन से बनते हैं। ऊतक मतलब अंग जो होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं जो विकसित हो रहे हैं, शिशु को पोषण व सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है। इसके अतिरिक्त माँ के गर्भावस्था का आकार भी बड़ा होता है तथा बच्चे को जन्म के पश्चात दूध पिला पाने के लिए स्तनों में भी दूध आना शुरू हो जाता है। माँ में इन सभी के लिए नए ऊतकों के निर्माण हेतु अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। नंबर चार, प्रसव तथा स्तन्यकाल के लिए संग्रह। प्रसव के समय स्त्री की शारीरिक आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत सी ऊर्जा व्यय होती है तथा बहुत अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह होता है। स्तन्यकाल की आवश्यकताएं
क्योंकि सामान्य से अधिक होती हैं। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी गर्भावस्था में ही पौष्टिक तत्व शरीर में संचित होने लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्री के आहार को यह कारक भी प्रभावित करते हैं जो उसके साथ उसके बच्चे का आहार भी जुड़ा होता है। गर्भावस्था में स्त्री को अपने पौष्टिक तत्वों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसे इस प्रकार का भोजन करना चाहिए कि जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का भी पूर्ण विकास होता रहे। कितनी बार भोजन की अनियमितता के कारण बच्चा अपंग हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है या कोई रोगग्रस्त हो जाता है। प्रसव काल में भी बहुत परेशानी होती है, बच्चा कितनी बार मर भी जाता है, जो माता के लिए बहुत भयंकर स्थिति प्रदान करता है। इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता क्यों जरूरी है। पूरी गर्भावस्था को यदि तीन तीन माह के तीन कालों में विभाजित कर दिया जाए तो जानकारों के अनुसार पहले तीन महीने में गर्भ की भ्रूण की आहार संबंधी आवश्यकताएं अधिक नहीं होती। जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता है तो उसकी ज़रूरतें माँ से संचित पौष्टिक तत्वों से पूरी होने लगती हैं, जिनमें नंबर एक ऊर्जा। भ्रूण की वृद्धि के लिए अपने शरीर में वसा को संचित करने के लिए गर्भकाल में बढ़े हुए BMR को पूरा करने के लिए महिला को सामान्य 300 कैलोरीज अतिरिक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर दो प्रोटीन। सामान्य से 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है। यह उत्तम श्रेणी के प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त हो जानी चाहिए। नंबर तीन लोहा। के प्रस्ताव के अनुसार ICMR के अनुसार एक गर्भवती महिला को दूसरे व तीसरे तीन मास में लगभग 8 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन सामान्य प्रस्तावित मात्रा में दिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव यह मान कर किया जाता है कि महिला के शरीर में गर्भावस्था में प्रवेश करते समय लगभग 300 मिलीग्राम का संचय कोष है तथा उसे गर्भावस्था के प्रारंभ में आयरन की एक बड़ी खुराक दे दी गई है ताकि उसका कोष बना रहे। वास्तव में इस अवस्था में शरीर में लोह तत्व की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर चार कैल्शियम। सामान्य महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला की कैल्शियम की आवश्यकता 2.5 गुना हो जाती है। शिशु की हड्डियों के विकास के लिए अपने संचय कोष को बचाए रखने तथा स्तन्यकाल में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के लिए संचित रखने के लिए महिला द्वारा आहार में अधिक मात्रा में कैल्शियम ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की मात्रा भी उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के दांतों में संचित कैल्शियम से अधिक होनी चाहिए ताकि उनका जब बच्चा बड़ा होता है उनके निकलने पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। नंबर पाँच आयोडीन। आहार में आयोडीन की सामान्य मात्रा गर्भावस्था के लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में इस सूक्ष्म मात्रिक तत्व की आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है। कारण होता है महिला के BMR का बढ़ जाना, जो कि भ्रूण की शारीरिक मानसिक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। आयोडीन की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उस अवस्था में महिला को सामान्य से अधिक मूत्र आता है तथा उसके साथ बहुत सी आयोडीन शरीर के बाहर निकल जाती हैं। नंबर छः जिंक। यह भी एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है जिसका गर्भावस्था में बहुत अधिक महत्व होता है। इसकी आवश्यकता भ्रूण द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए तथा उसके फलस्वरूप होने वाली शारीरिक वृद्धि के लिए होती है। माता के आहार में यदि इसकी कमी हो तो भ्रूण की वृद्धि उचित नहीं होती, उसमें विकास उत्पन्न हो सकते हैं। जन्म के समय उसका भार सामान्य से बहुत कम हो सकता है तथा कई बार तो गर्भकाल के समाप्त होते ही प्रसव हो जाता है तथा बच्चा मृत पैदा होता है। नंबर सात विटामिन। ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ उनके उचित प्रयोग के लिए बी समूह के विटामिन थायमिन नाइसिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। राइबोफ्लेविन की आवश्यकता माँ तथा भ्रूण के शरीर में बनने वाले अतिरिक्त उत्कों के लिए होती है। यदि
ये कम मात्रा में लिया जा रहा है तो नवजात की हड्डियों में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे लंबी हड्डियों का आकार छोटा रह जाना, पसलियों का आपस में जुड़ जाना आदि। यदि माता के आहार में बी समूह के विटामिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उसे गर्भावस्था में होने वाली सामान्य तकलीफ हो, जैसे जी मचलाना, उल्टी आदि होना आदि से भी राहत मिलती है। बच्चों, यहाँ पर एक गर्भावस्था में भोजन का वर्णन किया गया है, ये सभी पॉइंट आप याद करेंगे।